बात करें, मैं नहीं होता हूं तो नमाज का वक्त नहीं है। जन अपने अल्फाज वापस ले लें, मेरे ख्याल से आप भी ये मजहब की बातें ना किया करें। नहीं, अब आपके कहने पर पूरी असेंबली नहीं चलेगी। मैं ये तो बात नहीं कर रहा हूं, नमाज का वक्फा सवाब है, एक सवाब का काम है। इससे पहले मैं एक तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ बिलखुसूस साहब से और पूरे ऐवान से, वो ये कि हमारे हाउस से मैंने सिंध असम्बली के कवायद व जवाबित में एक तरमीम पेश की थी कि नमाज के वक्त में जैसे नमाज का वक्त दाखिल हो तो 15 मिनट का वक्फा जो है हो रहा है, बगैर अगर इसमें मैं बात कर थोड़े से मैं वही कह रहा हूँ कि ये तरमीम पेश की मैंने और ये पूरे हाउस ने डिसाइड किया था कि ये होना चाहिए तो हम कर रहे हैं। नहीं, वो तरमीम पेश की थी मैंने और वो कमेटी में भी गई और वहाँ से मंजूर होकर भी आ गई है। अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, वो तो अलग बात है, लेकिन नमाज का वक्फा तो हो रहा है, पास कर दे, एक कानून का हिस्सा बना दे इसको। आप देखें, इससे पहले 2-4 दिन पहले नहीं था तो नमाज का वक्फा नहीं दिया गया, तो मैं मेरे खौफ से या किसी के खौफ से या किसी की जानिब से क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब पिछले अभी हुआ आप तो आ एजेंडा जारी रखा, अभी जरा आप टॉपिक पे आ जाए, उसको वही कह रहा हूँ कि उसको आप है ना, ये बेहतर है। अब कितने वक्त से मैं मुकेश से कितने मर्तबा कहा, ये बात को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ये गैर मुस्लिम है तो इस बात को वो नहीं समझ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये अर्ज कर रहा हूँ कि नमाज का वक्फा आप ले आए, इसको कानून का हिस्सा बना दें। देखिए, कानून का हिस्सा बना देना, मैंने 12 मुकेश को कहा, वो बात नहीं समझ रहे ना, बात नहीं समझ रहे ना वो। देखिए, आप मैं कैसे बात कर रहे हैं कि नमाज का वक्फा सवाब है, एक सवाब का काम है। आप एडजर्नमेंट मोशन पे बात कर रहे हैं, मैं नहीं होता हूं तो नमाज का वक्फा नहीं, एडजर्नमेंट मोशन पे आप क्यों बात कर रहे हैं? पिछले अब लड़ने की बात नहीं है, लड़ने की बात नहीं है, आप वो प्रोसेस में होगा, जो कुछ भी मेरी बात को जो कुछ कानून कहता है उसके हिसाब से होगा। अभी आप इसको ले लें, अभी आप इस टॉपिक को ले लें, एडजर्नमेंट मोशन की बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, इसको कानून का एक हिस्सा बना लिया जाए, क्या होगा? आगे आप किताब के अंदर डाल देंगे, इसको कानून का हिस्सा बनाएंगे। आप हो ना हो, मैं हूं ना हूं, ये एक सवाब का काम है और ये चलता रहेगा। ठीक, तो आप बराए मेहरबानी, मेरी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि आप अभी जो है ना, तरीके कार गलत है सर, ये हम एडजर्नमेंट मोशन पे हम कोई और टॉपिक, वो भी रिलीजन का टॉपिक है। एक मिनट कारी साहब, एक मिनट, मेरी इसमें रिक्वेस्ट होगी, जो आपने मुकेश चावड़ा साहब के लिए जो भी अल्फाजात किए हैं उसको आप हदफ करवाए सर इसको, और आपके लिए कदर है, आपके लिए एहतराम है, लेकिन आपकी बात है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, नमाज हम पढ़ते, वो नहीं पढ़ते ना, तो यार मेरी बात सुने, ये बात समझ एक चीज मेरी बात सुने कारी साहब, कई मतलब चाहिए अपने अल्फाज वापस ले लें, मेरे ख्याल से चले, मैं आप ये कल एजेंडे में दाखिल करेंगे इसको, वो स्पीकर साहब का कंडीशन सुनिए मौलवी साहब, आप तो यार यही बात नहीं मार रहे ना, मैं ये गलत तो नहीं कह रहा, मैं यही बात नहीं, यहाँ वक्फा जो होगा यहाँ पे है, हर आदमी नमाज पढ़ता है, हर आदमी नमाज के लिए, और असेंबली कर रहे जो टॉपिक है एडजर्नमेंट मोशन का, उस पर है ना, आप उसको कौन सी चीजों कहा है, उसी पे हूँ मैं। देखिए आप, अगर आप लोग, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आप लोगों से मेरे ये इल्तिजा है, हम सब नमाज पढ़ते हैं लेकिन इसका मकसद ये नहीं है, इसको मजहबी बातें बैठ के आप उसको, ऑलरेडी एक चीज हुई है साहब, सर आपने आज नमाज का वक्फा ऑलरेडी किया है, मैं नमाज का वक्फा हुआ है यार, नमाज के लिए जब नमाज का वक्फा हुआ है मौलवी साहब, और आप हिस्सा बना दे भाई, कानून का हिस्सा बनाने में क्या मसला है? सिंध असेंबली में नमाज वक्फा हो रहा है, और हुआ है, सभी नमाज पढ़ी है, इसको कानून, आप कवायद जवाबित का एक हिस्सा बनाने में क्या अर्ज है भाई? वो चीजें हो गई है ना ऑलरेडी, अब आपके कहने पर पूरी असेंबली नहीं चलेगी। नहीं भाई, ये तो बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी नमाज का वक्फा होता है, जिसने नमाज पढ़नी वो पढ़ के आ गया है, मेरे आप जबरदस्ती सबको, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, अगर हम इसको हिस्सा बनाने, क्या हर्ज है हमें, क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं यार, क्या मसला है, क्या होता है? अभी खत्म करें, आप लोग बैठ जाए, अगर नहीं आपने बात नहीं करनी है तो आप बैठ जाए, ये कोई तरीकेकार नहीं है।
गलत बात नहीं है, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, जो असेंबली का कानून है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप भी ये मजहब की बातें ना किया करें, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, टाइम के साथ वो भी हो जाएगा, वैसे ये चीज होती रही है। वो किसी के कहने पे कानून नहीं आता है। नहीं करें मेरे कहने पे, आप अपने कहने पे करें, आप लोग अब बैठ जाएं, फिर अब बैठ जाएं, लेट समबडी एल्स स्पीक। ये कोई मैं तो अल्लाह ताला को दूंगा जवाब, आप भी अपने अल्लाह ताला को जवाब देना, ठीक है? हाँ बैठ जाएं, मसला आपको है, आपको मसला है तो बैठ जाएं। खुर्रम शेर ज़मान साहब,